क्या कहना चाहेंगे बिजली जी, बताइए। बिजली तो है ही ऐसे तड़कती भड़कती शोला, और इतने कांड अभी उसने कर दिए है, इतना कुछ फ्रस्ट्रेट कर दिया है सबको कि गुस्से में एक बार आकाश ने गला दबा दिया है। पर फिर भी बिजली डरने वालों में से तो है नहीं, उन्होंने बोल दिया है शट अप। आकाश कौन सा डरने वालों में से है? अभी आकाश भी आगे जाके उसको डोज देता है, और जैसे कि हमेशा ऑब्वियसली विलन को तो हारना ही पड़ता है इन द एंड, हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब बार बार लुक चेंज करना और फिर टोटली अलग कैरेक्टर है, एक शान सुंदर सुशील सुंदर भी बोल दिया मैंने, थैंक यू। और बिजली कड़कती भड़कती तड़कती भड़कती आग का गोला, तो हाँ थोड़ा होता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा शगुन बहुत टैलेंटेड एक्टर है, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि एक बिल्कुल दो अलग अलग किरदार है और इसको इतनी अच्छे से ये प्ले कर रही है, और इसके लिए मैं सुपर प्राउड हूँ। यू आर डूइंग रियली ग्रेट, एंड सच में मैं ये दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत फंटास्टिक एक्टर है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ करना, इतना बड़ा परफॉर्मर होना आसान नहीं है, तो ये थोड़ी तारीफ मैं कर रहा हूँ आज इसकी, बिकॉज ये डिजर्व करती है। नंदनी से मैं बहुत हद तक रिलेट कर पाती हूँ, पर बिजली मेरे को दूर दूर तक रिलेट करना नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता है नंदनी खुद से रिलेट कर पाएगी, क्योंकि मैं रीजन बताता हूँ, नंदनी बहुत इंट्रोवर्ट है, शी इज नॉट इंट्रोवर्ट, एंड इंट्रोवर्ट नहीं है नंदनी, इंट्रोवर्ट है। आपने गांव की नंदनी नहीं देखी क्या अभी तक? मतलब घर के लिए तो इंट्रोवर्ट है ना, और हाँ ठीक है, मतलब चुलबुली है वो दोनों, ये एक कैरेक्टर, मतलब ये एक सिमिलैरिटी, मतलब चुलबुली है ये एक चीज मैच करती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ मैच करती है। नंदनी बहुत संस्कारी है और शगुन भी, शगुन संस्कारी है, बट यू नो नंदनी को, नंदनी के अंदर डिसिप्लिन है, शगुन के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नंदनी थोड़ी तो बेइज्जती करने दो यार, बट नहीं है, एक्चुअली नहीं है, इसको दिन भर चॉकलेट खाना होता है, बिल्कुल मैच नहीं करते, आकाश बहुत इंटेलिजेंट है और बिल्कुल नहीं है, कट कट कट, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसको दिन भर चॉकलेट खाना होता है, इसको मैं इसको जुबान पे कंट्रोल नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा थोड़ी सी बेइज्जती की मैंने, बाकी आकाश जो है यार, देखो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा आकाश को मैं खुद से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, और मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं लगी, मतलब मैंने जब ये कैरेक्टर ब्रीफ पढ़ा था आकाश, तो ये यू नो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड लड़का है, जेंटलमैन है, तो वैसा मैं भी हूँ, और मतलब घर पे घर से मुझे वो संस्कार मिला हुआ है, इसके साथ मैं क्या हूँ इस बारे में, यस मुझे आकाश और अमन, आकाश में या मतलब आपको नंदनी बता रहे, मुझे आकाश बता रहे, तो पहले मुझे तो नंदनी या अमन में, मतलब आकाश या अमन में मेरे शगुन के बारे में मुझे अच्छी लगती है, शॉर्ट की बात बताते हैं, आई एम सो सॉरी, थैंक्स फॉर, टेक केयर, बाय बाय।